एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्यों ना काम करो? दादू, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ में एक साथ हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्पिटिटर्स। हाँ दद्दू, मिठाई मिठाई गोसाई भंडार की तरफ से, और मैं HM स्वीट्स की तरफ से। दादू, हम दोनों अलग अलग टीम में। तुम दोनों इतनी सी बात क्यों ना समझ रहे कि तुम दोनों के मिल के साथ काम करवे में जीत है। दादू, ये बात आप इसे समझाइए। दादू, मिठाई अचानक से तो नहीं कूद पड़ी ना? वो तो पिछले साल भी इसी कंपटीशन में थी, तब ये कहाँ थे? विनू ने अचानक से अपना रास्ता बदल दिया तो क्या मिठाई भी अपनी मंजिल भूल जाए? तो तुम बढ़ो अपनी मंजिल की तरफ। दद्दू के पोते, ये कंपटीशन हलवाइयों का है। मिठाई, मेरे पास हलवाइयों की टीम है, सपोर्ट सिस्टम है, मुझे सिर्फ आइडियाज देना है, जलेबियां नहीं तलनी। और तुम्हें क्या पता मॉडर्न बिजनेस के बारे में? तुम तो बस मुन्नी साइकिल सर्विस तक पहुंची अभी तक। बेटा सिद्धार्थ, तू हथन के हुनर को दिमाग की लड़ाई में बदल रहा है। दादू, जिसके पास जो होगा वो वही तो इस्तेमाल करेगा। दद्दू के पोते, ऑल द बेस्ट आपको। दद्दू, मिठाई अभी तैयारी करने चली। ठीक है बेटा। मिठाई शरी 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 शरी। बेटा सिद्धार्थ, मिठाई कैसे बने ये तो मैं तो सिखा सकूं, पर चाहे बनानो आवे तो भाई ये दूर कर रहा है। दादू, मैंने उसे साथ आने को कहा था पर वो जिद पर अड़ी है, और मैं सिर्फ आपसे रेसिपी मांग रहा हूँ। आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। दादू, मैं आपका पोता हूँ, बिजनेस मेरे ब्लड में भी तो होगा। हाँ, मे बी मेरा तरीका आपसे थोड़ा अलग हो। दादू, अब तो आप सब जानते हैं, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, और मैं लाइफ में कभी सेकंड नहीं आया, चाहे एग्जाम कितना ही टफ क्यों ना हो। मिठाई तो मिठाइयाँ बना लेगी, पर अभी आपके HM स्वीट्स को आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा की तरह इस एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आइए। चल, ना मानो तो चल। मिठाई, तुम्हारे सबसे करीबी दो मोहरे अब मेरी जेब में हैं। पहले हैं ग्रैंड ओल्ड हलवाई ऑफ मथुरा हरिमोहन चौबे, और दूसरा उनका पोता सिद्धार्थ चौबे। तूने मुझसे मेरे सिर को छीना, अब मैं तुझसे अपने सिर को छीन लूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। पिछली बार पिताई से सीखी एक आलू जलेबी लेके मैदान में उतरी थी मिठाई, अचानक से कूद पड़ी और जीत भी गई थी। इस बार तो दद्दू से कितना कुछ सीखा है। अगर मिठाई पिताई और दद्दू दोनों की कला को लेके मिठाइयाँ बनाएगी तो बड़ा अनोखा स्वाद आएगा। लोग कहेंगे वाह मिठाई वाह। हार जीत तो गोपाल के हाथों में है, उसके बारे में मिठाई नहीं सोचेगी कभी।